Hello guys, welcome back to my channel Glamour with Neha. I hope you all are doing great. I am also good. So today video will be a bit different video. आज हम करेंगे मेकअप का वीडियो, मेकअप से रिलेटेड वीडियो, बिकॉज मैं सोची थी थोड़ा मेकअप और स्किन केयर का भी एक्सप्लोर करके देखते हैं यूट्यूब पे. मैं जनरली यूट्यूब पे कपड़ों का और फैशन रिलेटेड वीडियोज ही बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ, बट लॉन्ग वीडियो मैं कपड़ों से और आउटफिट से रिलेटेड ही बनाती हूँ. तो मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ लिपस्टिक पे. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ लिपस्टिक्स जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से आज कोई ना कोई लिपस्टिक मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं आज आपको 5 से 7 लिपस्टिक दिखाऊंगी. जितना वीडियो लंबा ना हो उतने में मैं कवर करूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट सेट ऑफ लिपस्टिक मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, अगर इस वीडियो को मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो. और ये सारी ही लिपस्टिक गाइस अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, तो आप आराम से इनमें से किसी को भी खरीद सकते हो जो आपको पसंद है, क्योंकि मैंने इस हॉल में कोई भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लिपस्टिक नहीं रखी है. होंगी भी तो 1-2 होंगी जो 600-700 की होंगी, बट आपको पता है ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑफ तो चलते ही रहता, तो आराम से वो भी आपको 450-450 तक की मिल जाएंगी. आइए हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. तो सबसे पहला मैं आपको शेड दिखाऊंगी स्विस ब्यूटी का. ये तो आपको पता है अफोर्डेबल ही रेंज में आती है, और इसका रोज टाइप का कलर है ये. सो ये इस टाइप की लिपस्टिक है गाइस. इसका क्लोज लुक आप देख लो, ये इस तरह की लगती है लिपस्टिक. इसका शेड भी आपको दिख रहा होगा, ये इसका शेड गाइस कुछ इस टाइप का इसका शेड है. ये न्यू पिंक टाइप का शेड है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये रोज टाइप का कलर है, रोज न्यू काइंड ऑफ शेड है ये, अच्छा लगता है शेड ये. तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. तो मैंने इसके अंदर सिंगल लेयर लगाई है, और ये इस टाइप का कलर दिख रहा है. लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, और अच्छे खासे टाइम तक ये आपके लिप्स पे रहती है. और इसका प्राइस गाइस मैं मेंशन कर दूंगी, वही 200-250 के अराउंड होगा, उससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होगा. तो इससे गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, अच्छी लिपस्टिक है. नेक्स्ट लिपस्टिक मैं आपको दिखाऊंगी ब्राउन शेड में, ये है वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड मैट लिपस्टिक है ये. सो ये इस टाइप की लिपस्टिक है गाइस, ब्राउन न्यूड शेड है ये, बहुत ही प्यारा शेड है. जब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा, ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्राउन न्यूड है, और इसका शेड है गिव मी मोका. अच्छा आपको दिखा देती हूँ हैंड में कि ये कैसा लगता है. ये इस टाइप का लगता है गाइस, इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि में अभी 1 मिनट लगेगा गाइस. और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लिपस्टिक है, और मीडियम और फेयर स्किन टोन पे ये आराम से चली जाएगी, बहुत ही प्यारी लगती है लिपस्टिक. और एकदम जैसे मैंने बताया एकदम लाइट वेट है, तो पता नहीं चलता ये लिप्स पे लगी हुई है, बहुत ही अच्छी है, पिगमेंटेड है. और इस अगर आप थोड़ा कुछ खाना वगैरह खाओगे ना तो हल्की सी चिप अप होती है, ज्यादा नहीं होती है, बट है मतलब नॉर्मल लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक 5-6 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है ये. बहुत ही अच्छा फेस लगता है इसको लगाने के बाद. अगर आप न्यूड लवर्स हो ना तो आपको ये लिपस्टिक पक्का पसंद आएगी. हाई रेंज की है, मुझे लग रहा है ये थोड़ी 600-700 की है. जो भी होगा इसका प्राइस मैं वो गाइस मेंशन कर दूंगी. गाइस नेक्स्ट लिपस्टिक को दिखाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है. मतलब ये आपको मेरे हैंडबैग में हमेशा, मतलब 95% ऑफ द टाइम यही आपको मेरे हैंडबैग में दिखेगी, जहाँ पे भी जाती हूँ इसी को लेकर जाती हूँ. और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे पता है कि मुझे यही लगानी है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे. ऑप्शन लेसेस की लिपस्टिक है इन द शेड 16 नवम्बर. मैं आपको इसका क्लोज लुक दे देती हूँ. मैंने इसको इतना रफली यूज़ किया ना, मेरे बैग में पड़ी रहती है, तो इसका कफ्शन लेसेस भी निकल गया, या मोस्टली लिपस्टिक का निकल ही जाता है वो मेकअप बॉक्स में रखे रखे. तो ये इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग इसकी बेसिक सी है, और शेड इसका 16 नवम्बर है. मैं आपको हैंड स्वेच शेड है, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगी. कभी कभी मैं ना डार्क लिपस्टिक लगा लेती हूँ, या कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ जो मुझे पसंद नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ इसको ही ऊपर से लगाती हूँ, और लिपस्टिक नहीं, जनरली इस वाली लिपस्टिक को ही ऊपर से लगाती हूँ. तो ये कलर को न्यूट्रल करने में ये शेड बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो अगर आप इसको लेना चाहो तो इसको ले लो, या इस टाइप का कोई शेड ले लो. शेड को मैं ऊपर से किसी भी लिपस्टिक के ऊपर लेयरिंग करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा पता नहीं क्यों शेड निकल के आता है. मैं इसलिए भी इस लिपस्टिक की बहुत बड़ी फैन हूँ, और ये मेरी खत्म होने वाली है, मुझे इसे फिर से ऑर्डर करना है. पक्का मैं इसको ऑर्डर करूंगी फिर से, और इसका 1-2 शेड और ऑर्डर करूंगी, फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी. तो ये सूख गई है, और ये इस टाइप की लगती है.
न्यूड सा पीच सा कलर है, बहुत ही मतलब एकदम सॉफ्ट ग्लैम सा कलर है ये। मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपका फेयर या मीडियम कॉम्प्लेक्शन है। आई थिंक मीडियम कॉम्प्लेक्शन पे भी ये चल जाएगी, मेरा फेयर है, अभी मैं हल्की सी टैन हो रखी हूँ, मेरा इससे भी ज्यादा फेयर नेचुरल कलर है। तो आप देख लो, मुझे लग रहा है ये वीटिश पे भी, वीटिश और मीडियम स्किन टोन पे भी आई थिंक ये चला जाएगा। तो इसके प्राइस पे तो गाइज ये पता नहीं कितने की थी, मैं आपको मेंशन सस्ती होगी, आई थिंक 300 के अराउंड की ये लिपस्टिक होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। सो जो भी इसका प्राइस होगा वो मेंशन कर दूंगी, और ऑफ तो आपको मिलता ही रहता है साइट्स पे। सारी ही लिक्विड लिपस्टिक हो रही थी गाइज, तो मैंने सोचा एक बुलेट लिपस्टिक भी दिखाती हूँ। तो ये है स्विस ब्यूटी की ही बुलेट लिपस्टिक, सो इसका जो भी फुल नेम होगा वो मेंशन कर दूंगी। सो ये इस टाइप की लिपस्टिक है गाइस, इसका हैंड स्वेच में दिखाती हूँ, और इसका शेड है 04 हॉट चेरी, मरून रेड काइंड ऑफ शेड है ये, प्रॉपर चेरी कलर है ये, मरून ब्राउन रेड का कुछ तो मिक्स काइंड ऑफ कलर है ये, सारे ही स्किन टोन पे जाएगा गाइस। तो ये इस टाइप का कलर है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा, और ये ना लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम बटर की तरह आपके लिप्स पे ये ग्लाइड होती है। प्रॉपर मैट नहीं है ये, क्रीमी काइंड ऑफ मैट है ये, तो उतनी ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है गाइस, टू बी फ्रैंक। बट इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाना उतना प्रेफर नहीं करते, आपको थोड़ी सी स्मूथ सी सॉफ्ट सी, जैसे हम लोग मैक लगाते हैं वो कैसी होती है, बुलेट होती है ना, तो वो स्मूथ सी सॉफ्ट सी होती है, ये बिल्कुल मैक काइंड ऑफ टेक्सचर इसका लगता है, एकदम पिगमेंटेड है और रहती है लिप्स पे अच्छे खासे टाइम तक ये रहती, कुछ खाओगे नहीं तो आराम से ये आपके लिप्स पे रहेगी, और कुछ खा भी लोगे तो हल्का सा इसका कलर रहता है लिप्स पे। तो ये इस टाइप का शेड है, प्राइस इसका भी गाइस 300-400 के अराउंड होगा। लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा और ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इसको और भी शेड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इनफैक्ट आई एम आल्सो थिंकिंग टू एक्सप्लोर सम अदर शेड इन दिस रेंज। बाय द वे ये कलर भी बहुत अच्छा है, आप सारे ही स्किन टोन पे ये कलर जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जो मैंने रिसेंटली बाय किया और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ये है अगारो का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर, जो कि आपके बालों को ना ही ड्राई करेगा बल्कि इसको वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, और आप इससे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बना सकते हो अपने हेयर्स के। तो मैं दिखाती हूँ आपको प्रोडक्ट, इस टाइप का गाइस ये प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा इसमें ये ब्रशेस हैं, बहुत ही सॉफ्ट से इसमें ब्रशेस दे रखे हैं, आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेंगे। सो इसकी आप डिजाइन देख लो कितना प्यारा, ये देखने में ही कितना प्यारा लगता है, इसमें अगारो लिखा हुआ है। इसमें 3 हीट और 2 स्पीड सेटिंग है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको इसका यूज साइड में दिख रहा होगा कि मैंने इसको कैसे यूज किया, आप इसको हेयर स्टाइलिंग के लिए, हेयर वॉल्यूमाइजर के लिए, और बालों को सुखाने के लिए, मतलब हेयर ड्राई करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा है और आपको भी लेना है तो आप इसको अमेजोन से बाय कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम आते हैं अपने लास्ट लिपस्टिक पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो इसलिए अब नेक्स्ट लिपस्टिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, उसमें दिखाऊंगी। तो ये मैं दिखा देती हूँ, ये है रानी पिंक और रेड मिक्स कलर, एक आता ना ये उस टाइप का कलर है, ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है, मैं इस टाइप की लिपस्टिक लगती है, और इसका यार ये छूट चुका है एक्चुअली, इसका जो प्रिंट है ना वो छूट चुका है, और मैं जो इसका शेड है ना वो मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है, तो इसका शेड मैंने जहाँ से ऑर्डर किया था वहाँ से मैं शेड देख के ना इसका मेंशन कर दूंगी। और ये माई ग्लैम की LIT लिक्विड लिपस्टिक है, क्या प्रॉब्लम है, ये जो लिट वाली इनकी सीरीज है ना, इसमें वैरायटी तो बहुत सारी, लेकिन जो इसका एप्लीकेटर है ना, तो ये ना कुछ ज्यादा ही ये लॉन्ग है, तो हाथ का जो बैलेंस है वो अच्छे से नहीं बन पाता, और लिपस्टिक ना अच्छे से अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अदरवाइज इनके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है माई ग्लैम लिट में। गाइस ये है इस टाइप का कलर, आप देख रहे हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल कलर है, मैं दिखाती हूँ आपको। कलर ना गाइज मुझे बहुत
बहुत बाद में पसंद आया। जब मैंने लिया था तो ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ना बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है। तो जब मैंने इंडियन पहना और इस वाले कलर को लगाया, ओह माय गॉड गाइस, मैं तो इसकी फैन होगी। मतलब ये शेड इतना ज्यादा सुंदर लगता है। अगर आप कुछ भी इंडियन अटायर पहनोगे, मतलब कुर्ता सेट पहनो या साड़ी पहनो, साड़ी के ऊपर तो ये कलर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ब्लैक कलर की गाउन या ड्रेस आते हो उसके ऊपर भी ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और हाईली पिगमेंटेड लिपस्टिक है ये, और बहुत देर तक आपके लिप्स पे ये रहती हैं। खाओगे फिर भी आई थिंक ये लिपस्टिक जाती नहीं है। किस प्रूफ है, मैट है, किस प्रूफ है, मतलब अच्छी खासी पिगमेंटेड लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, तो आप आराम से इसको ले सकते हो। माई ग्लैम में कुछ ना कुछ ऑफर चलता ही रहता है गाइस। मेरे पास कोई कोड होगा वो मैं मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज माई ग्लैम में आपको कुछ ना कुछ ऑफर चलता ही रहता है। तो आपको अगर ये वाला शेड लेना तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मतलब डार्क स्किन टोन तक ये आराम से चला जाएगा कलर, और बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर। शेड मैं इसका मेंशन कर दूंगी। मुझे जो इसका प्राइस है वो तो आपको पता ही है, 200-250 में माई ग्लैम की मिल जाती है, तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। था आज का हमारा लिपस्टिक हॉल, अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली लिपस्टिक हॉल। आई होप आपको ये वीडियो ना पसंद आया होगा। मैं इस बार थोड़ा ना हटके मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाया। फैशन वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद, इसके पहले ही आपको हो सकता है एक फैशन वीडियो देखने को मिल जाए कपड़ों से रिलेटेड। लेकिन आप बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगी। इन लिपस्टिक्स के लिंक्स ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।